प्रथम तहलका न्यूज। आज यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस खास अवसर पर अंबाला में ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अनोखी पहल की गई। सोसाइटी के सदस्यों ने अंबाला छावनी के एल्डर होम में गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही वहाँ रह रहे बुजुर्ग लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। बुजुर्गों को मास्क भी मुहैया करवाया गया। ये कार्यक्रम प्रधान विकास सिंगला की देखरेख में हुआ, जिसमें सोसाइटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों की एल्डर होम में रह रहे बुजुर्गों की ओर से प्रशंसा की गई। इसके साथ ही प्रधान विकास सिंगला की ओर से आश्वासन दिया गया कि यदि किसी भी चीज की जरूरत होगी यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें और हमारे समाज के लोगों का एक फर्ज बनता है बुजुर्गों की सेवा करें। और मैं तो ये बात इस एल्डर होम के अंदर ये बात मैंने सीखी है कि अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ कुछ करते हैं कल तो वो हमारे साथ होंगे। तो गांधी जी ने भी एक हमें सत्य की प्रेरणा दी और अहिंसा के पुजारी थे वो। उन्होंने ऐसे आंदोलन भी चलाया, सत्याग्रह भी करा, दांडी यात्रा भी निकाली, तो देश के लिए ही करा उन्होंने। तो हमें भी अपने देश के लिए एक जज्बा होना चाहिए कि अगर देश के अंदर कोई भी भारी ताकतें आती हैं तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। और कोरोना की महामारी है तो हमें सबको, अब मैं एक बार बार ये अपील करता हूँ कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रखें। और अपनी व्यापारी भाई, ये एक व्यापारियों का संगठन है और ये संस्था समाज के लिए हमेशा आगे आती है और आगे आती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक कर रहे हैं हम, और इसके लिए हमेशा तैयार है। कोरोना काल में भी हमारी जो सेवाएँ हैं वो सबको विदित हैं, चाहे वो मार्केट कमेटी के अंदर हो, दफ्तर के अंदर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल पाया था तो हम पहले हमारी पहल थी, उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर भी, और चाहे प्रवासी श्रमिकों का खाना हो, तो राम जन्मभूमि हो, रफेल का मुद्दा हो, 15 अगस्त हो, हर एक मुद्दों पे इस संस्था ने आवाज उठाई है। रेड क्रॉस से कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने सोसाइटी व प्रधान विकास सिंगला के कामों की जमकर सराहना की। सिंगला साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए, मैं उनका बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं ये करना चाहता हूँ, शायद आपको पता हो या ना पता हो, सिंगला साहब की तरफ से पिछले 5 साल से यहाँ बुजुर्गों के लिए पौष्टिक खाना आता है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इनों की बदौलत ही हमारे साथ कई संस्थाएँ और भी जुड़ गई हैं जो टाइम टू टाइम यहाँ विजिट करते हैं। तो एक ऐसी सोच वाले व्यक्ति हमेशा समाज की तरक्की के लिए आगे रहते हैं। मैं अपने ऑफिस की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ और अपने बुजुर्गों की तरफ से। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया था। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।